तो हे गाइस, और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम को जब भी हम यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से मोबाइल से गेम प्ले करता हो तो कितना टाइम लगता है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट सेटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर OTG केबल हमने लगा दिया मोबाइल के अंदर। यहाँ पर जो USB जैक है, मल्टीपल USB जैक मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर जो कीबोर्ड का जो जैक है यहाँ पर मैंने लगा देता हूँ, यहाँ पर माउस का जो जैक है यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप बताएंगे कि यहाँ पर आप पहले से भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताया तो बहुत सारे फ्रेंड लोग ये सोचेगा कि भाई यहाँ पर मैं फेक का वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटली सब कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर ऑक्टोपस ऐप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता ही होगा। तो मैं फिर भी आपको मैं यहाँ पर दिखाया था, ऑक्टोपस मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया हूँ। अभी मैं सिंपली यहाँ से ओपन में क्लिक कर देता हूँ। कैसे सेटअप करना है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। फटाफट मैं यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं ऑक्टोपस ऐप को ओपन किया, यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक किया और यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर आ चुका है। मैं फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अलाउ मांगता है, मैं अलाउ दे देता हूँ और यहाँ से डिस्प्ले पॉपअप इसमें क्लिक करके इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ। बैक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, अलाउ करता हूँ, इसको भी अलाउ कर देता हूँ। दोस्तों अलाउ करने के बाद यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पर और एक बार फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन करके यहाँ पर सिक्योर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम सिक्योर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फ्री फायर गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है और फ्री फायर गेम पे जो भी यहाँ पर बटन है उसको मैं फटाफट कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन में टच करूंगा, कंट्रोल वाला ऑप्शन में टच करके कस्टम HUD में हम लोग टच करेंगे और यहाँ पर ऑक्टोपस का जो भी बबल है इसी बबल पर हम लोग टच करेंगे और यहाँ पर इसको अनकव करके इसको जो प्लस वाला आइकॉन है हम लोग टच करेंगे और प्लस वाला आइकॉन में टच करके यहाँ पर फटाफट जो भी बटन है फटाफट मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर सेटिंग हो चुका है, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और टोटली मैं यहाँ से रख देता हूँ और टोटली मैं यहाँ से अभी मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो गाइस अभी मैं देखूँगा यहाँ पर गेम को स्टार्ट करने से लिए कितना टाइम लगता है। गाइस अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट वाला बटन में क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है तो हम देखेंगे, अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस 30 सेकंड से बहुत ही कम टाइम के अंदर यहाँ पर हमारा जो गेम है स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आपके डिवाइस में अगर अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से मोबाइल से गेम प्ले कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है आपके, वो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना गाइस। अभी दोस्तों हम यहाँ पर लॉबी में आ चुका हूँ, यहाँ पर हम लोग एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ और देख लेता हूँ एकदम ठीक ठाक से हम लोग गेम प्ले कर पा रहा हूँ या नहीं। तो गाइस हाँ, लगभग तो सब कुछ ठीक ठाक ही है।